नमस्कार दोस्तों, आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस का मुद्दा है सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो जम्मू कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 में जो चेंजेस लाई है, जिसके तहत लेफ्टिनेंट गवर्नर को यहां पर बहुत ज़्यादा पावर्स मिल जाती हैं। दोस्तों, इसका मतलब ये है जब भी यहां पर J&K में असेंबली इलेक्शंस होंगे, यहां पर MLA चुन के आएंगे, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होंगे, कैबिनेट मिनिस्टर होगा, देन चीफ मिनिस्टर होगा, इनके पास पावर्स बहुत कम रह जाएंगी। हमारे MLAs, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, ये सिर्फ एक तरह के शो पीस होंगे और जो रियल पावर होगी, सही में पावर होगी, वो लेफ्टिनेंट गवर्नर के पास होगी। मैं पूछना चाहूंगा कि जम्मू कश्मीर के जो मुद्दे हैं वो बेसिकली हमारे जो नुमाइंदे हैं, MLAs हैं, जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैं, उनको पता होता है, ना कि लेफ्टिनेंट गवर्नर जो दूसरी स्टेट या यूटी से आया होता है, जो यहां पर आता है, उसको मुद्दों का पता नहीं होता है। और आप सारी की सारी पावर्स किसको दे रहे हो? लेफ्टिनेंट गवर्नर को। और जो बाकी जो होंगे MLAs या काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, दे आर गोइंग टू रिमेन द शो पीस। ये हम कहेंगे हमारे जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ बहुत गलत बात है। ऑलरेडी हमारी इतनी बड़ी स्टेट हुआ करती थी, उसको आपने बाइफरकेट कर दिया, लद्दाख को अलग कर दिया, देन जम्मू कश्मीर को यूनिट टेरिटरी बना दिया, वहां लद्दाख को यूनिट टेरिटरी बना दिया, स्टेटहुड चला गया। अब जो पावर्स थी वो भी लेफ्टिनेंट गवर्नर के पास चली जाएगी। दोस्तों, आप जैसे देख रहे हैं दिल्ली में या पौंडीचेरी में, वहां पर भी ऐसा ही सिस्टम है। वहां हो क्या रहा है, लेफ्टिनेंट गवर्नर और जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हैं, MLAs हैं, इनके बीच में टसर रहता है, जिसके कारण जो वहां पर काम होने चाहिए होते नहीं, डेवलपमेंटल काम नहीं होते, बस लड़ाई झगड़े होते रहते हैं, यही चलता है, लेकिन जो रियल इश्यूज है उसको एड्रेस नहीं किया जाता है। अब आप यही सिस्टम हमारे यहां पर ला रहे हो, क्यों? वाई सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर क्यों कर रहे हैं आप? क्या जम्मू कश्मीर पहले स्टेट हुआ करती थी, अब आपने एकदम पावर्स यहां से छीन के आप सेंट्रलाइज कर रहे हो? दैट इज गोइंग टू बी, मुझे लगता है, बहुत बहुत गलत चीज है। हम चाहते हैं, हम सेंट्रल गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट करना चाहेंगे, इस पर रिव्यू कीजिए, क्योंकि अगर आप इसको रोल बैक नहीं करेंगे, जहां जम्मू कश्मीर की जनता है ऑलरेडी बहुत परेशान है और इस फैसले को लेकर बहुत दुखी है, कल को जब सरकार बनेगी, अगेन उनके इश्यूज को एड्रेस नहीं किया जाएगा, उनकी कोई सुनने वाला नहीं होगा, उनकी कोई सुनवाई नहीं होगी, आगे उनके आंसू हैं, वो सूख चुके हैं, आगे भी ऐसा होगा। तो क्या आप, मैं सेंट्रल गवर्नमेंट से पूछना चाहूंगा, क्या आप चाहते हो जम्मू कश्मीर की जनता को दुखी देखना चाहते हैं, जो ऑलरेडी दुखी है? तो इसलिए इस फैसले पे जल्दी से जल्दी रिव्यू किया जाए।